पलासी का युद्ध आज से ठीक 266 साल पहले 1757 ईस्वी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज सैन्य अधिकारी क्लाइव के नेतृत्व में लड़ी गई थी। इसी युद्ध के बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर शासन करने का अपना पहला कदम बढ़ाया था। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जेपीएस जोन में, और आज हम आपको पलासी के युद्ध क्यों हुआ और इसके क्या परिणाम निकले इसके बारे में बताएंगे। तो पलासी का युद्ध का पहला अध्याय शुरू होता है अलवर्दी खां से। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य पतन की ओर जाने लगा, और उसी का फायदा उठाकर कुछ राज्य जो मुगल साम्राज्य के अधीन थे वो खुद को स्वतंत्र घोषित करने लगे। उसी में से एक था बंगाल भी। उस समय मुर्शिद कुली खां 1717 में नवाब बना बंगाल का, और कुछ समय बाद खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया और 1727 तक शासन किया। उसके बाद उसने अपना उत्तराधिकारी सरफराज खान को बनाया। सरफराज खान के बाद उसका बेटा गद्दी पर बैठा, जिसको हराकर अलवर्दी खां 1740 में बंगाल का नवाब बना। अलवर्दी खां बंगाल का सबसे शक्तिशाली नवाब साबित हुआ। इसके शासनकाल में अंग्रेजों ने दो बार किलेबंदी करने की कोशिश की, पर अलवर्दी खां ने उनकी योजना को विफल कर दिया। अलवर्दी खां की मृत्यु के पश्चात सन 1756 ईस्वी में उसका दामाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। अलवर्दी खां का कोई पुत्र नहीं था, उसकी केवल 3 पुत्रियां थी। इन 3 पुत्रियों के पति क्रमशः ढाका, पूर्णिया और पटना के गवर्नर थे। 2 बड़ी बेटियों के पति की मृत्यु अलवर्दी खां के जीवन काल में ही हो गई थी, इसीलिए तीसरी पुत्री का पति सिराजुद्दौला नवाब बना। उसका विरोध उसकी दोनों सालियों ने किया। अलवर्दी खां की दूसरी पुत्री का पुत्र शौकतगंज था। शौकतगंज को अपनी बड़ी मौसी घसीटी बेगम से सहायता मिली हुई थी। दोनों ने मिलकर नवाब का विरोध किया, जिसके कारण नवाब सिराजुद्दौला ने घसीटी बेगम की संपत्ति छिनवा ली और उसे बंदी बना लिया। शौकतगंज ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। अभी सिराजुद्दौला इस आंतरिक बगावत से किसी प्रकार से निपटा ही था कि अंग्रेज भी बंगाल के शासन में हस्तक्षेप करने लगे। अंग्रेज और नवाब सिराजुद्दौला के बीच युद्ध का क्या कारण था, अब इस बारे में जानेंगे। तो सबसे मुख्य कारण था अंग्रेजों का बंगाल में किलेबंदी करना। पलासी के युद्ध का सबसे प्रमुख कारण अंग्रेजों द्वारा अपनी बस्तियों की किलेबंदी करना था। सिंहासन पर बैठते ही नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेज और फ्रांसियों दोनों को ही किलेबंदी रोकने की आदेश दी थी। फ्रांसीसी नवाब की आज्ञा पालन करने के लिए तैयार थे, पर अंग्रेज ने नवाब की आज्ञा का पालन नहीं किया, जो कि बाद में युद्ध का कारण बना। दूसरा कारण था अंग्रेजों द्वारा नवाब के विरोध षड्यंत्र रचना। सिराजुद्दौला के नवाब बनते ही अंग्रेजों ने घसीटी बेगम की दीवान राजवल्लभ से मिलकर सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे। शौकतगंज को भी अंग्रेजों ने प्रोत्साहित किया। अंग्रेजों के इस षड्यंत्रकारी नीति से सिराजुद्दौला बहुत नाराज हुआ। तीसरा कारण था अंग्रेजों द्वारा व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग करना। सन 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने एक फरमान द्वारा अंग्रेजों को निःशुल्क व्यापार की सुविधा प्रदान की थी। अंग्रेज इस सुविधा का दुरुपयोग करने लगे थे। भारतीय व्यापारी के मालों को वो अपना कहकर उसमें चुंगी लगा देते थे और भारतीय व्यापारियों से घूस लेते थे। अंग्रेजों के इस कार्य से सिराजुद्दौला अत्यंत नाराज था। चौथा कारण था कासिम बाजार की अंग्रेजी कोठी पर नवाब का आक्रमण करना। अंग्रेजों के बुरे व्यवहार से तंग आकर नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेज व्यापारियों को बंगाल से निष्कासित करने का निश्चय किया। 24 मई 1756 को उसने कासिम बाजार में अंग्रेजों की व्यापारिक कोठी पर आक्रमण करने के लिए एक सेना भेजी। नवाब की सेना के सामने अंग्रेजों ने आत्मसमर्पण कर दिया और इस आक्रमण में सिराजुद्दौला की जीत हुई। पांचवा कारण था कलकत्ते पर नवाब का आक्रमण। कासिम बाजार की कोठी पर आक्रमण करने के बाद नवाब की सेना ने 18 जून 1756 ईस्वी में कलकत्ता पर आक्रमण किया, और यहां भी अंग्रेजों के किले पर नवाब का अधिकार हो गया। अगला कारण था कालकोठरी की घटना। अंग्रेजी किले पर अधिकार करने के पश्चात नवाब सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजों को एक अंधकार से भरे कोठरी में बंद कर दिया। जून के भयंकर गर्मी में हवा न आने से उनमें 123 अंग्रेज दम घुटने से मर गए, लेकिन कई इतिहासकार इस घटना को केवल काल्पनिक मानते हैं। कुछ समय बाद समय ने पलटा खाया और सेनापति क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने पुनः कलकत्ता पर आक्रमण करके
उसे जीत लिया, जिसके बाद सिरसदौला को अलीगढ़ की संधि करनी पड़ी। पर अंग्रेजों की नजर पूरे बंगाल पर थी। क्लाइव ने षड्यंत्र रच के सिरसदौला को पत्र लिखा, जिसमें कहा गया कि नवाब ने संधि का उल्लंघन किया है। सिरसदौला के पत्र के जवाब देने से पूर्व ही क्लाइव ने 23 जून 1757 को सिरसदौला की सेना पर आक्रमण कर दिया, और जिससे पलासी का युद्ध प्रारंभ हुआ, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई। इस युद्ध के क्या परिणाम थे, अब यह जानेंगे। इस युद्ध से यह परिणाम निकला कि अंग्रेजों को भारत में शासन फैलाने का पहला अवसर प्राप्त हो गया। अगला परिणाम था अलवर्दी खां का वंश पूर्ण रूप से समाप्त हो गया, और अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया, जो कि अंग्रेजों की कठपुतली मात्र था। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में स्वतंत्र व्यापार करने की छूट मिल गई, और इस तरह से पलासी का युद्ध अंग्रेजों का भारत विजय का स्वप्न दिखाने का जरिया बन गया। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।